नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में वीडियो देखने वाले का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का जो ये वीडियो प्रोग्राम है ये लगातार जारी है। सेल्स का कम्बिनेशन हम पढ़ा रहे हैं। सेल्स को हम दो तरह तीन तरह से जोड़ते हैं। तो कल जो बताया था आइए उसको ज़रा रफ में दोहरा लें। कल हमने बताया था कि अगर आप सेल को इस तरह से आप सीरीज करिएगा और करंट लीजिएगा सेल में, तो जो आपका आई होगा वो एन ई बटे आर जोड़ एन आर होगा, जो करंट आप लीजिएगा। और अगर आप एक गो सेल लेते तो आई बराबर ई बटे आर जोड़ आर होता। कल हम पढ़ाए थे और उसके बाद बताए थे स्पेशल केस कि अगर यह छोटा हो तो ये भी छोटा होगा। तो अगर यह छोटा हो तो भगा दीजिए, तो आई बराबर हो गया ई बटे आर और बड़की आई बराबर हो गया एन ई बटे आर। तो भैया मेरे आई बराबर एन गुना आई, बड़ा मज़ा आया। अगर एक सेल से 4 एम्पियर धारा मिली तो 20 सेल से 20 गुना 4 एम्पियर यानी 80 एम्पियर धारा मिलेगी। अतः सेल अगर छोटा प्रतिरोध का हो तो इसको सीरीज करना बड़ा बढ़िया होता है। इसको हम सीरीज करेंगे तो हमको खूब लाभ होगा, खूब मज़ा आवेगा और खूब आनंद लेंगे। अगर मान लीजिए कि सेले का प्रतिरोध बड़ा हो जाए, जबकि होना नहीं चाहिए। जनरली आप जान लीजिए कि बाहरी सेल का प्रतिरोध जैसे 10 ओम 20 ओम होता है, तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम होता है। ये 10 ओम होता है, 20 ओम होता है, 100 ओम होता है, 200 ओम होता है, ये तो छोटा होता है। लेकिन संजोग वाली बात है, संजोग जब पढ़ना है, विभिन्न स्थिति पर विचार करना है, तो हो सकता है कि यही छोटा नहीं हो के यही बड़ा हो जाए, यही छोटा हो जाए। जैसे ई हो जाए 0.01 ओम और ई हो जाए मान लीजिए 1 ओम, तो यही बड़ा हो गया वो छोटा हो गया। तो अबरी इसी को नगण्य मान लेंगे तो आई बराबर ई बटे आर होगा और बड़की आई बराबर तो ई तो खत्म में हो गया, एन ई बटे एन आर होगा तो ई बटे आर होगा। तो तब एक सेल लीजिए या हजार सेल लीजिए, बतवा तो एक है। ये सब बात हम कल बताए थे। अब आज देखिए हम आपको बताते हैं, आज हम यह बताते हैं कि मान लीजिए कि आप पढ़ के आए हैं कि एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, ये सब पैरेलल जुड़ा हुआ है, पैरेलल है। तो आप पढ़े हैं ना 1/r बराबर 1/r जोड़ 1/r जोड़ 1/r, तो ये हो गया 3/r। तो इसलिए बड़की r बराबर r बटे 3, तो समतुल्य प्रतिरोध r बटे 3 हुआ। अगर 3 गो है और जो 4 गो रहता तब तो r बटे 4 होता, और 5 गो रहता तब तो r बटे 5 गो होता। तो m गो रहता तब आर बटे एम नहीं होता, समतुल्य प्रतिरोध नहीं होगा। कब? जब प्रतिरोध सब पैरेलल रहेगा तो समतुल्य प्रतिरोध आर बटे एम। अगर 10 गो है तो आर बटे 10, 3 गो है तो आर बटे 3, 2 गो है तो आर बटे 2, 50 गो है तो आर बटे 50। के लिए आपने कैसे नहीं, हम एक सेल छे क्यों चचा, अच्छा कितना तोरा छन विद्युत वाहक बल, हमरा चचा ई छन आंतरिक प्रतिरोध आर, एकरा में करेंट दे लेलो छो, हाँ एलो छन करेंट दे ला, ठीक छे तो चलो करेंट दहो, आई देलो, हाँ तो आई बराबर ई आ बटे छोटकी आर जोड़ बड़की आर, समीकरण नंबर 1, ठीक दे रहे लो छे। अब हम क्या किए कि एगो और सेल जोड़ दिए यहां से, क्लियर? तो यहो थोड़ा धारा देने लगा, एगो और जोड़ दिए
क्लियर, ये हो थोड़ा धारा, ऐसी तरह जोड़ते गए एन गो सेल जोड़ दी, तो सब ने धारा दिया थोड़ा 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 सब धारा दिया, लेकिन ये सब कैसा जुट गया, तो सारा प्रतिरोध ये यहाँ से यहाँ तक प्रतिरोध कैसा है, तो सब प्रतिरोध ई वाला प्रतिरोध ऐसा है, 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 तो सब तो पैरेलल है, तो अगर इसकी संख्या एम हो तो इसका समतुल्य प्रतिरोध आर बटे एम हो गया छोटकुनिया का, अब बड़कुनिया का आर है। अच्छा, जब हम सीरीज करते हैं तो ई ई ई ई सब जुटते जाता है, तो एक ई, दो ई, तीन ई, चार ई, काहे कि बिंदु बदलते जाता है तो सबका विद्युत वाहक बल अलग अलग, जैसे चार वोल्ट चार वोल्ट चार वोल्ट चार वोल्ट, तो चार गो है तो चार चौके 16 वोल्ट, अब पाँच गो है तो चार पंचे 20 वोल्ट, लेकिन यहाँ तो बात नहीं है, यहाँ तो सब एक के जगह जुटा हुआ है भाई, अलग अलग जगह तो जुटा हुआ नहीं है, तो इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो आई बराबर हो जाएगा ई ही रहेगा, जैसे इसमें एन ई हो जाता था ना सीरीज वाला में, यहाँ नहीं होगा, काहे सीरीज वाला में तो सब सीधे जुटल था, तो सबका ई ई ई ई जुट गया, चूंकि सब बिंदु अलग अलग है, विभव अदिश राशि है, तो 10 वो है दो दो वोल्ट का, तो 20 वोल्ट हो गया, लेकिन यहाँ तो बिंदुआ वही है, तो वी ए माइनस वी बी, तो सबके लिए तो एक क्या समान है, तो अगर ये दो वोल्ट है ये भी दो वोल्ट है, ये भी दो वोल्ट है ये भी दो वोल्ट है, ये भी दो वोल्ट है, ये थोड़े ना 8 वोल्ट हो जाएगा, इसलिए ई वही रहा, आर जोड़ छोट की आर बटे एम हुआ। ये दो सूत्र को दिमाग में रख लिया जाए, और इस दो सूत्र को दिमाग में रख के अब बाकी को सियावर रामचंद्र की जय कर दिया जाए, अपने सुनी जाइए बेकार यहाँ डिस्टर्ब करे छे, तहूँ चलो जा तहूँ कथी डिस्टर्ब करे छे, तो चलो जा तो कथी बेकार भी, मतलब सब समझी गए बचवा से, इस तरह से आपको मिल गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करिएगा लघुत्तम महत्तम से, तो एम आर जोड़ छोटकी आर बटे एम होगा आई बराबर, तो फाइनली आई बराबर क्या हो गया, उल्टी जा बेटा, एम ई बटे एम आर जोड़ छोटकी आर, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब चलिए विशेष स्थिति, ऐ विशेष स्थिति, हाँ केस 1, ई बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है तो जान बेटा खट्टा खावे दिमाग, तो बड़की आई बराबर ई बटे आर, आई छोटकी आई अब बड़की आई बराबर, तो ई खट्टा खावे चल गया, ई भी खट्टा खावे चल गया, तो एम ई बटे एम आर, तो हम तुम चोरी से आएगे माए, छोटकी आई भी उतने अब बड़की आई भी उतने, कल बोले थे ना जो लोग कल वाला वीडियो देखे होंगे, बोले थे कि पैरेलल जब जोड़ेंगे तो फायदा नहीं होगा, छोटकी आर रहे या बड़ी आर छोटी आर हो तो पैरेलल अगर जोड़ेंगे तो फायदा नहीं होगा, अगर ये प्रतिरोध कम हुआ, काहे कि देख रहे हो एक सेल से जो धारा है और 50 सेल से वही धारा है, तो ये फायदा नहीं होगा, और लेकिन अगर छोटकी आर बड़ा बड़ा होता ए तब तो जो न बेटा खट्टा खबा जब, हाँ हम जी हाँ तो जो तब आई बराबर ई बटे छोटकी आर, और बड़की आई बराबर एम ई बटे छोटकी आर, तो जान खट्टा खबेल जब भग भगवा तो बड़ो छे ई छोटो छे, तो बड़ा वाला रहेगा छोटा वाला नगण्य होगा। अब देखो तो क्या हो गया, बड़की आई बराबर एम गुना छोटकी आई नहीं हुआ, अतः जब सेल पैरेलल रहता है ना, तो जब अगर उसका आंतरिक प्रतिरोध बड़ा रहता है तो उसमें फायदा होता है, और सब सीरीज में सेल जोड़ते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध छोटा होने से फायदा होता है, प्रूफ हुआ। इसमें धारा एम गुनी बढ़ती है कब, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बड़ा रहता है, यही है विशेष स्थिति। तो आइए अब हम आपको
ले चलते हैं उस दुनिया में जहाँ क्वेश्चन आंसर है। सेल्स को समानांतर क्रम में समूहित करें, बताएं यह कब लाभप्रद होगा। तो किसी एक सेल विद्युत वाहक बल ई आंतरिक प्रतिरोध आर से बाह्य प्रतिरोध आर में धारा आई बराबर इतना होगा। अभी तुरंत पढ़ाए, अगर हम सब सेल को पैरेलल जोड़ दें तो पैरेलल जोड़ने पर जो धारा होगी ये इतनी होगी। अभी तुरंत पढ़ाए तो इतना होगा, अभी तुरंत पढ़ाए इतना होगा, ई उलट के ऊपर चल जाएगा। अब अगर ये बहुत बहुत छोटा हो इससे, तो जब तुम छोटा हो तो जाओ, जैसे कोई मेरा पोता का ब्याह में आया और उधर से 100 ग्राम मरचाएँ लेके आया और कहा कि आपको देते हैं सर, सपोर्ट हो जाएगा, तो उसको हम हाथ जोड़ के कहें कि नहीं आप ही लेते जी, चटनी पीस के खाइएगा, 100 ग्राम मरचाएँ से भोज में क्या सपोर्ट होगा मेरे हाथ। नहीं नहीं सर, हमारा खेत में सूरजमुखी मरचा हुआ। अब इज्जत रखने के लिए रख लेंगे, लेकिन उसे क्या फ़ायदा है। उसी तरह जब तुम छोटा हो तो इतना सा जुड़िए कि क्या करोगे। तो कहा ठीक है चाचा, तब तो हम छोटा है ये हैं तो नहीं जोड़िए। तो नहीं जोड़िए तो देख लीजिए कि बड़की आई और छोटकी आई आपस में बराबर है। तो इसमें को बात है ना, बड़की आई और छोटकी आई आपस में बराबर है। अब देखिए, अब केस टू चलिए। केस टू क्या कहता है कि यदि छोटकी आर बड़ा हो बड़की आर से तो क्या होगा, आई बराबर ई बटे छोटकी आर। है कहाँ से, समीकरण एक से, है ना। बड़की आर नगण्य होगा, बड़की आर क्या हो जाएगा, नगण्य होगा। और बड़की आई बराबर एम ई बटे छोटकी आर कहाँ से, समीकरण दो से हो गया। तो इसलिए बड़की आई बराबर एम गुना छोटकी आई। तो यह स्थिति क्या है, यह स्थिति लाभप्रद है, लाभप्रद है। अगर हम इस तरह से अगर हम सेल को जोड़ते हैं पैरेलल तो हमारा ये स्थिति लाभ देगा। एक सेल अगर 4 एम्पियर धारा देगा तो 10 गो सेल 10 चौके 40 एम्पियर करंट देगा। क्लियर। और आज की सभा इस प्रश्न पर यहीं समाप्त होती है। आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। आप कहिएगा कि सर हम भैया आपसे कैसे नहीं पारेंगे, 1-1 घंटा का वीडियो बनाते हैं तो करेजा दर्द करता आपका, 1 घंटा का वीडियो बना देते हैं सर बहुत दिक्कत होता, 15-15 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो सर, तो लीजिए फिर जरूरत पड़ेगा तो वो और वीडियो बना देंगे आज।